अगला समाचार पूजा वर्मा से। अब की पौधारोपण में पर्यावरण के साथ सेहत की भी चिंता। शौचालय पाने वाले 2 करोड़ लाभार्थियों के घर लगेंगे सहजन के पौधे। एक दिन में लगेंगे रिकॉर्ड 25 करोड़ पौधे। गोरखपुर न्यूज के लिए गिरीश पांडे की विशेष रिपोर्ट। अब की बार होने वाले रिकॉर्ड पौधारोपण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण और हरियाली के साथ लोगों, खासकर गरीबों की सेहत की भी फिक्र की है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के जिन 2 करोड़ लाभार्थियों को शौचालय मिला है, उनके घर पर औषधीय गुणों से भरपूर सहजन के भी पौध लगाए जाएंगे। पौध वन विभाग उपलब्ध कराएगा। लगाने की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग की होगी। अपने चमत्कारिक गुणों के कारण सहजन मुख्यमंत्री का पसंदीदा पौधा है। पिछले साल भी पौधारोपण के दौरान मुसहरों और वनटांगिया बस्तियों में सहजन के पौधे लगाए गए थे। सहजन की खूबियां। अपनी खूबियों के कारण सहजन को चमत्कारिक पौध कहा जाता है। सहजन को दुनिया का सबसे ताकतवर पोषण पूरक आहार माना जाता है। इसकी जड़ से लेकर फूल, पत्ती, फली, तना और गूंद हर चीज उपयोगी है। इसमें संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी, विटामिन ए, गाजर से 4 गुना विटामिन ए, कैल्शियम, दूध से 4 गुना कैल्शियम, पोटेशियम, केले से 3 गुना पोटेशियम और दही से 3 गुना अधिक प्रोटीन मिलता है। इसमें 52 पोषक तत्व, 46 एंटीऑक्सीडेंट्स, 36 एंटी इन्फ्लामेटरी, 18 अमीनो एसिड एवं 9 आवश्यक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों को जानवरों को चारे के रूप में खिलाने पर उनके वजन में 32 और दूध में एवं 43 से 65% तक की वृद्धि गई है। कुपोषण के खिलाफ प्रभावी हथियार बन सकता है सहजन। मुख्यमंत्री की मंशा है कि इसे कुपोषण के जंग के रूप में बतौर हथियार उपयोग किया जाए। इसके लिए सहजन के गुणों के बारे में अभियान चलाकर उस तबके को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जाए जो कुपोषण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है। पूरे सीजन होगा 30 करोड़ पौधारोपण। 3 वर्षों में रिकॉर्ड 39 करोड़ 53 लाख। पौधारोपण के बाद वर्ष 2020-21 में भी योगी सरकार पूरे सीजन में 30 करोड़ पौधे लगवाकर एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इसमें भी एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे या खुद में भी एक रिकॉर्ड होगा। इसके पहले वर्ष 2017-18 और 2019 में क्रमशः 5 करोड़ 17 लाख, 11 करोड़ 77 लाख और 22 करोड़ 59 लाख, कुल 39 करोड़ 53 लाख पौधे लगाए गए थे। 2021-22 में भी 30 से 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का है। यह लक्ष्य बढ़ भी सकता है। मसलन इस साल भी पहले 25 करोड़ पौधारोपण का ही लक्ष्य था, पर मुख्यमंत्री की पहल पर इसे बढ़ाकर 30 करोड़ कर दिया गया। अगर लक्ष्य के अनुसार ही पौधारोपण हुआ तो भी 6 वर्षों में रिकॉर्ड 134 करोड़ 59 लाख पौध लगेंगे। नवंबर में हो गई थी तैयारी। प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार किस क्षेत्र में किस प्रजाति के पौधे लगे हैं, इसकी मुकम्मल योजना सरकार नवंबर में ही तैयार कर चुकी है। इसके बारे में मुख्य सचिव आर के तिवारी की ओर से 21 नवंबर 2019 को ही सभी मंडलायुक्तों, डीएम, प्रभागीय वन अधिकारी, प्रभागीय निदेशक और मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश भेजा जा चुका है। लखनऊ में एक दिन में लगेंगे 2 करोड़ से अधिक पौधे। एक दिन में सर्वाधिक पौधे लखनऊ में लगेंगे। दूसरे नंबर पर कानपुर होगा। यदि 2 मंडल ऐसे हैं जहां एक दिन में 2 करोड़ से अधिक पौधे लगने हैं, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बस्ती और आजमगढ़ मंडल को छोड़ दें तो बाकी सभी मंडलों में 1-1 करोड़ से अधिक पौधे लगने हैं। रिकॉर्ड पौधारोपण का हिस्सा बनेंगे 14 विभाग। एक दिन में 25 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाने में 14 विभाग, सहकारिता, उद्योग, ऊर्जा, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, परिवहन, रेलवे, रक्षा, उद्यान और गृह विभाग हिस्सेदार बनेंगे। सर्वाधिक 60,80,000 पौधे उद्यान विभाग लगाएंगे। मंडलवार एक दिन में लगने वाले पौधे। मंडलवार पौधारोपण में लखनऊ मंडल में 2 करोड़ 86 लाख 8,690,
कानपुर मंडल में 2,03,94,940, अयोध्या मंडल में 1,77,88,370, चित्रकूट मंडल में 1,77,22,310, देवीपाटन मंडल में 1,66,94,280, झांसी मंडल में 1,44,92,780, मिर्ज़ापुर मंडल में 1,40,05,610, प्रयागराज मंडल में 1,36,80,550, बरेली मंडल में 1,36,23,500, मुरादाबाद मंडल में 1,35,34,770, वाराणसी मंडल में 1,29,59,550, आगराम मंडल में 1,22,56,180, गोरखपुर मंडल में 1,17,14,010, आजमगढ़ मंडल में 96,48,260, मेरठ मंडल में 94,03,240, अलीगढ़ मंडल में 91,73,270, बस्ती मंडल में 78,19,530, सहारनपुर मंडल में 64,80,160 पौधे लगेंगे।